नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सिर्फ 48 दिन बाकी हैं जबकि आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, लाइंस एंड एंगल्स अपन ने किया था और हमने कहा था बाकी चैप्टर्स भी अपन इसी क्लास में करते जाएंगे। रेशियो कर लिया है, परसेंट कर लिया है, प्रॉफिट लॉस, लाइंस एंड एंगल्स कर लिया था। अब अपन करते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा सिंपल है, कुछ टर्म हैं उनको समझना है। सबसे पहले आपको जानना है पी क्या होता है। पी मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन मतलब जो राशि उधार ली जाती है या दी जाती है उसको क्या कहते हैं, मूलधन। जैसे हम बैंक के पास गए, हमने 1000 रुपए लिया ना, तो 1000 रुपए क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब रेट क्या है, आर क्या है, आपने बचपन से सुना होगा रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, ब्याज की दर प्रति वर्ष, ब्याज की दर पर एनम मतलब एक साल में कितना परसेंट ब्याज लग रहा है। ब्याज की दर क्या है, पर एनम है, पर एनम प्रति वर्ष मतलब एक साल में कितना ब्याज लग रहा है। टी मतलब क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन, टाइम समय। और एस आई साधारण ब्याज बराबर क्या लिखते हैं, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ये किसका फॉर्मूला है, एस आई साधारण ब्याज का। और एक चीज और देखो, आप जैसे बैंक के पास गए, आपने लिया मान लेते हैं 10000 रुपए उधारी, 2 साल बाद बैंक ने कहा आपने, आप पैसा जमा करने गए लोन चुकता करने, तो बैंक ने कहा आपको 1000 रुपया ब्याज देना है, तो 10000 रुपए तो लौटाने ही थे क्योंकि 10000 उधारी लिया था। 1000 रुपए ब्याज लग गया ना, तो ब्याज कितना लगा, 1000, तो अब देना कितना है, मूलधन तो देना ही देना है जो प्रिंसिपल लिया था 10000, और जितना ब्याज लग गया, ब्याज लग गया ये क्या कहलाता है, अमाउंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अमाउंट। इसका क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मिश्रधन, हिंदी में मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज, ये क्या कहलाता है, साधारण ब्याज। बस इतना ही आपको अभी समझना था। अब बाकी का जो भी है वो अपन क्वेश्चन के समय डील करेंगे। एक चीज और, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब निकालने के लिए कहता है ना, ब्याज की दर आर परसेंट निकालने के लिए कहता है, तो क्या करते हैं, एक साल का ब्याज एस आई कितने साल का, एक साल का, बटे पी इंटू क्या कर लेना है, 100%। ये क्या है, कुछ फॉर्मूले हमने आपको लिखवा दिए हैं, ये याद कर लीजिएगा। देखो, एक साल का ब्याज बटे 100, एक साल का ब्याज बटे पी इंटू 100%। किस पे ब्याज लगता है, मूलधन पे, तो नीचे क्या होगा, पी होगा, प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। ब्याज किस पे, मूलधन पे, तो नीचे पी और एक साल का, बस इतनी सी बात है। चलिए, तो अपन अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स के। पहला आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन वो कहता है 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 800 रुपए पर साधारण ब्याज क्या है। एक चीज और समझना है कंसेप्ट में, प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट लिया जाता है, प्रिंसिपल को हमेशा कितना परसेंट निकाला जाता है, 100%। तो मूलधन को हमेशा परसेंट में कितना कहेंगे आप, मान लेंगे कितना परसेंट है, 100% है। चलो अब देखो, एक साल में 10% बोला है ना, 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए, एक साल में 10%, तो 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, 20% नहीं हो जाएगा, 20% एक साल में 10, तो 2 साल में कितना, 10 × 20%। किस पर ब्याज लगना है, 8000 रुपए पर साधारण ब्याज।
8,000 पर, 8,000 में एक साल में 10%, तो दो साल में 20%, तो 8,000 पे 20% का ब्याज कितना हो गया, 8 × 16 कितना आया, 1600 आपका राइट आंसर है भाई। अब सुनिए, हम इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते, ये क्या लगा है, मूलधन, फॉर्मूला ही लगाया है हमने, ध्यान से देखेंगे तो मूलधन गुणित दर गुणित समय कितना है टी, बटे में क्या लिख दिया 100, देखो वही तो लिखा है, मूलधन कितना 8,000, आर कितना 10, टी कितना 2, तो एक साल में जितना ना, तो दो साल में उसका डबल, तीन साल में ट्रिपल, 3 से गुणा कर दो, बस सिंपल सी बात यही है। टाइम हमेशा याद रखेंगे, टाइम क्या होगा, साल, साल का लिखना है, 15 महीने 20 महीने दिया है ना, तो उसको साल में बदल लो, कैसे बदलेंगे अपन चेक करते हैं। देखिए 12,400 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 15 माह की अवधि, अवधि कितनी दी है 15 माह, अभी तक आप क्या निकाल रहे हो, साधारण ब्याज निकल रहे हो, साधारण ब्याज निकालना है, तो हम क्या जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये होता है। प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है 12,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, एक साल में 6%, वार्षिक दर बोला है ना, मतलब एक साल में कितना 6%, कितने महीने के लिए 15 महीने, ये टाइम किस में होना चाहिए, साल में होना चाहिए, लेकिन दिया किस में है, महीने में, महीने में देता है ना, तो क्या डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड कर लेना है, किससे डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड कर लोगे, साल में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, क्यों, एक साल में कितने महीने, 12 महीने, तो हमेशा किससे डिवाइड करना है, महीने को साल में बदलना है तो 12 से डिवाइड कर लो, जैसे 24 महीने में कितने साल, कैसे डिवाइड करोगे सर, 24 महीने में 12 से डिवाइड कर लिया कितने साल, 2 साल, तो सेम 15 महीने में कितने साल, 15 को 12 से डिवाइड कर लो। चलो अब देखते हैं, 00 से 00 नहीं कट जाएगा, 6 × 12 2 × 2 = 15 15 × 30 15 × 6 = 90 90 × 3 = 93 930 रुपये इसका क्या है, राइट आंसर है भाई। तो क्या करना था, सिर्फ यहाँ पे चेंज है, देखो 15 महीने बोला ना, तो डिवाइड किससे करना है, महीने को साल में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। चलिए नेक्स्ट, अब देखो महीना तो ऐसा दिया ही गया है, साथ में अब परसेंट भी थोड़ा खतरनाक वाला दे दिया, तो अब क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, हम देखो एक ही टाइप में सब में साधारण ब्याज निकालना है, टाइप वन में क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन उसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारा करवा दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 18 × 18 = 36 18 × 3 = 54 54 × 2 = 56 56/3 और ये परसेंट है ना, 4 से जाएगा, 4 × 4 = 16 4 × 25 कितना आ गया, 14/25 = 75 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 14/75 चलो ठीक है, प्रिंसिपल इंटू आर परसेंट इंटू टाइम, प्रिंसिपल कितना है 7,400 रुपये इंटू आर परसेंट कितना निकाला आपने, आर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 14/75 तो 14/75 टाइम कितना है 8 महीना, इसको चेंज करेंगे तो क्या डिवाइड कर लेंगे 12 को, ये तो हमने बताया है भाई, सर 4 × 8 = 12 अब तो ये कटने से रहा नहीं कट रहा, तो आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है चलिए क्या करना पड़ेगा, 74 × 14 = 28
74 को डबल कर लेते हैं पहले, 4 × 8, 7 × 14, 14 × ये 100 को बाहर निकाल लेते हैं, ये लो ऐसा लिख लिया, बटे 75 × 3, 25 × 75, 25 × 75 हो गया, और 25 × 100। अब देखो 8 × 32 हासिल आई 3, 4 × 16, 17, 18, 19 हासिल आई 1, 4 × 1 = 4 और 1 × 5 × 14, 3 × 3 = 9 तो है ही, 14 × 2 = 28 हासिल आई 2, 14 × 9 = 126 और 2 × 28 112, 14 × 5 = 70, 80, 82, 9 से डिवाइड किया, 9 × 9 = 81, 1 इधर आ गया। और क्या आ रहा है सर? अच्छा ये बताओ, ये तो 7400 था ना, 74000 था, तो 10 और नहीं आएगा, 10 इसमें आ जाएगा, 10 यहाँ भी आएगा। अब चलो करते हैं डिवाइड, क्यों ऐसा किया, 74000 है ये वाला जीरो ना, नहीं लिया था हमने यहाँ पे, इसलिए 10 कम आ रहा था, 10 ले लेते हैं। अब चलो 9 से फिर से डिवाइड करो भाई, 9 × 81 हासिल आई 1, 9 × 2 = 18 ये तो कट गया, 9 × 0 = 0, 9 × 8 = 72, 8 × 80 हो गया, 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72 कितना आंसर आया, 9208.88। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है ना, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, पर क्या है बॉटम लाइन, क्या है, इन दोनों का गुणा करो, ऊपर से जोड़ दो, दोनों को 18 × 36 = 18 = 54 और 2 = 56/3, और ये परसेंट का परसेंट सॉल्व किया, 14/75 यहाँ पे रख लिया, महीना है ना उसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो अभी तक पहला टाइप जो किया है आपने, टाइप 1 कंप्लीट हुआ है, उस टाइप में आपको क्या निकालना था, ऐसा ही निकालना था सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या निकालना है, द सम इज वह राशि, मतलब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। चलिए किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपए है, कितना है, 7200, 1 साल में ब्याज लगता है 15%, तो 3 साल में कितना परसेंट, 15 × 3 = 45% नहीं लग जाएगा, ये बताओ, 15 × 3 = 45%, और रुपए में कितना लग रहा है, 7200, 3 × 6 = 3, 4 = 12, 15 से कटाया, 15 × 1 = 15, 5 × 4 = 9, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 1% की वैल्यू 160, तो आपको क्या निकालना है, वह राशि, वो राशि कितना परसेंट होती है, 100%, तो 100% की वैल्यू 1% की 160, तो 100% की 20 और चिपका दिया, 16000, आंसर कितना आया, 16000। ये कैसे किया सर, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, 1 साल में 15% डायरेक्ट किया है, क्योंकि 1 साल में 15% तो 3 साल में 15 × 3 = 45%, 45% ब्याज लग गया ना, और रुपए में कितना ब्याज लगा है, 7200, 1% की वैल्यू कितनी, 45 से डिवाइड किया, 100% की वैल्यू 20 चिपका दिया 1% के सामने। चलिए देखिए अगर इसको फॉर्मूला से बनाना चाहे तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, फॉर्मूला हम जानते हैं, SI = PRT/100, पी नहीं पता, पी आर कितना है, 15%, टी कितना है, 3 वर्ष, ब्याज कितना है, 7200,
पंद्रह तिया 45, 15 चौक 60, 60 तो चला गया, 12 बचा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और 0। 3 1 3, 3 5 15, 3 6 18 और पी बटे 100। ये देखो 100 इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या आ गया, सो 160 तो था ही, 00 किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। तो अब इससे अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ से निकाल लें, एक साल में कितना परसेंट, 15 ना, तो 3 साल में 45%, ऐसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 10% की दर से, मतलब एक साल में कितना परसेंट, 10%, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 6 महीने में 5% नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक साल में कितना है 10, एक साल में कितना परसेंट ब्याज लग रहा है 10, तो 6 महीना में मतलब आधा साल में 5% ब्याज लगेगा। अब देखो 5% ब्याज लग रहा है और रुपए में कितना लगा है, 100 रुपये, तो 1% की वैल्यू 20 रुपये, तो 100% की वैल्यू 20 के सामने 20। नहीं बात समझ में आई तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। सर पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू एस आई, एस आई कितना है 100 रुपये, पी तो नहीं पता, तो पी का तो पी आर कितना है 10%, टाइम कितना है 6 महीना, महीना को साल में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 दूना कितना आया, पी इज इक्वल टू 12 उधर चला गया, 10% की दर से 6 महीने में, तो ये कितना आ गया, 20 उधर चला गया, 20 उस तरफ चला गया, इंटू 100 ना, इज इक्वल टू 2000 रुपीस, पी इज इक्वल टू कितना आया 2000 रुपीस, यही तो आ रहा है ना, वही 100% की वैल्यू वही आ रही है। तो आप चाहे फॉर्मूले से बनाओ चाहे डायरेक्ट ऐसा बना लो, दोनों बात सेम है, पर इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है और परसेंट में तो ये करना ही है, प्रॉफिट लॉस में ऐसा करना ही है, तो ये ऐसे ही सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला क्यों लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी बैंक से 11% ब्याज की दर पर ऋण लेता है, एक साल में 11%, 3 वर्ष बाद उसे केवल एक अवधि के लिए ब्याज के रूप में इतने चुकाने पड़े, 3 साल बाद कितना ब्याज चुकाना पड़ा, इतना रुपया, तो ऋण के रूप में ली गई धनराशि ज्ञात करें, मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करें। देखो ध्यान से, 11% पर लेता है 3 साल बाद, हर साल 11%, तो 3 साल में 11 तिया 33% ब्याज लगा है, लेकिन रुपए में कितना लगा है 9570, 11 8 88, 5 2 7, 11 7 77, 3 2 6, 3 7 27, 1% की वैल्यू 290, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29000, 29000 आपका राइट आंसर है सर। यदि बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, पी आर टी अपॉन 100 फॉर्मूला से बनाना चाहे ना, 9570, फिर देखो पी की वैल्यू निकालनी है, आर कितना परसेंट 11%, टी कितने साल 3, वही तो कर रहे हैं ना, 11 तिया, देखो 11 तिया कितना रुपया 9570, पी की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 29000 ही आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, तो फिर नया टाइप आ रहा है, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे भी मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल ही निकालना है, लेकिन डेटा किसका दिया है, अभी तक देता था ब्याज, इतना ब्याज चुकाना पड़ा, लेकिन अब क्या दिया गया है,
इतना रुपए चुकाने पड़े, मतलब ब्याज के साथ दिया है आपने, ब्याज के साथ वापस किया है, मतलब ये क्या है, मिश्र धन अमाउंट है। अब देखो, ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से आएगा, ए बोरोड अ लोन फ्रॉम बी, ये बी है, बी से ऋण लिया 8% की ब्याज की दर पर और ब्याज सहित इतना चुकाया। अब ये बताओ, 2 वर्ष के लिए लिया है ना, 1 साल में 8% नहीं हो जा रहा है, यही तो बोला है, तो 2 साल में कितना ब्याज लग गया, ब्याज कितना लगा परसेंट में, 16% नहीं लगा, ये तो ब्याज हो गया। लौटाओगे ब्याज, बस थोड़ी ना लौटा दोगे आप जैसे लोन लिए हो, 8% की दर पे लोन मिला है, 8% 1 साल में, अब आप लौटाने गए 2 साल बाद, तो आपने बोला कितना परसेंट लगा भाई, तो आपको बोलेगा 8% था यार, 8% ब्याज की दर थी, तो 8% 1 साल, अगले साल भी 8%, 8, 16%, तो आप 16% बस ब्याज लगा है ना, तो लौटाओगे कितना, मूलधन लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे, लौटाना कितना होता है, टोटल अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो प्रिंसिपल खुद का कितना परसेंट, 100%, और ब्याज कितना आ गया, 1 साल में 8, तो 2 साल में 16, तो कितना परसेंट लौटाना पड़ेगा, 116%। अब याद रखिए, जब भी ऐसा आए ना, तो अमाउंट को निकालना है ना, तो ब्याज को 100 में जोड़ दो, 100% में, जितना परसेंट ब्याज आया ना 100% में ऐड कर दो बस, तो कितना परसेंट ब्याज आया ये बताओ, 8 × 16, तो अमाउंट कितना हो गया, 116%, कितने रुपए में, 191864, 29 से कटा रहे हैं, 29 का पहाड़ा, 29 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 × 12, 6 × 3 = 18 और 74 कितना आया, 16 और 1 = 17, 17 और 8, फिर 29 छंग जाएगा, 174 चला गया, तो बचा कितना, 4, 6 आया, 29 एकम, 30, 16 और 1 = 17, फिर 4 बार जाएगा, तो 29 छंग, अच्छा ये कितनी गया था, 29 एकम 29, तो कितना आया भाई, ये कट गया तो कितना आया, 6616, चलिए इतनी बात क्लियर है, 4 से कटाएंगे तो 1% की वैल्यू, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ये 1% की वैल्यू आई, तो ऋण कितनी राशि दी गई होगी, 100%, 1 के आगे 2 जीरो चिपकाना है, 1654 के आगे 2 जीरो चिपकाना है, 1654 के आगे 2 जीरो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप पे करते हैं, लेकिन क्या कंसेप्ट है, जितना परसेंट ब्याज आ रहा है ना उसको 100 में जोड़ देंगे, तो परसेंट में अमाउंट आ जाएगा, कैसे, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में बढ़कर इतनी हो गई, कोई धनराशि थी, मूलधन था, 6 साल में कितना हो गया, हो गया मतलब इसमें ब्याज भी जुड़ा होगा, मूलधन बढ़ के 6 साल का ब्याज भी नहीं लग गया, तो 6 साल का ब्याज लग गया, तो ये क्या है, अमाउंट है। चलो भाई अब देखो, तो कितना दिया है मूलधन और अमाउंट, अमाउंट दिया है 7830 रुपये, कितना रुपये, 7830, ब्याज कितना लग रहा है, हर साल 7.5%, तो 6 साल में कितना ब्याज लग जाएगा, सर 15 × 30, 15 × 3 = 45, कितना परसेंट ब्याज लग गया, 1 साल में 7.5%,
तो 6 साल में 45%। अब ये बताओ, इतना तो सिर्फ ब्याज लगा है, लेकिन आपको डेटा कितना दिया है? 7830। और किसका डेटा है ये? मिश्र धन का। किसका है? मिश्र धन या अमाउंट। तो अमाउंट कितना होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना परसेंट? 100%। प्रिंसिपल परसेंट में कितना होता है? 100%। और SI परसेंट में कितना है? ब्याज कितना है परसेंट में? 45%। तो हमको ये एक बात ये बताओ, 145% की वैल्यू 7830 नहीं हो गई? तो 5 × 10, 5 × 45, क्या बात है, 29 का पहाड़ा बहुत भर आ रहा है। 5 × 5, 5 × 5, 25, 5 × 6, 30, 5 × 6, 30, 29 से कटाया, कितनी बार जाएगा? 3 × 5, 15, 5 बार गया। और कितना कम हो गया? 5, 145, तो 11 और 29 चौक। सर 1% की वैल्यू आ गई 54, 29 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5400। अरे 2 जीरो तो चिपकाना है ना 100% के लिए, 1 के आगे 2 जीरो, तो 54 के आगे 2 जीरो चिपकाना है, सिंपल सी बात है। चलिए, अभी भी अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल निकाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखेंगे भाई। देखो, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए इस पर ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज इतना रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। फिर वही बात है, देखो 18 × 36, 18 × 3, 54 और 1 × 55 3% नहीं हो जाएगा? 18 × 36, 18 × 3, 54 और 1 × 55, 55/3% कितने साल में? 1 साल में। टाइम क्या है? 4 वर्ष 3 माह। हम सारा डेटा लेके आए हैं, 4 वर्ष 3 माह। 3 माह को बदलते हो तो 12 नहीं करते डिवाइड, ये तो साल ही था, इसको साल में नहीं बदलना, 3 माह को बदलना है तो 3/12 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 12 × 48 और 3 × 51, 51/12। तो 3 × 12, 3 × 1, 3, 3 × 7, 21, या तो ऐसा भी कर सकते हो ना, 4 × 3/12 है ना, इसको कटा सकते हो, 3 × 1, 3 × 4, 4 × 16, 16 × 1, 17, 17/4। 1 साल में इतना परसेंट, तो इतने साल में मतलब 17/4 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? तो सर 1 साल में 51/ कितना, 55/3 परसेंट, तो 17/4 साल में 17/4 कितना रुपया है? 7480। डिवाइड करते हैं, 11 × 5, 55, 11 × 6, 66, 4 × 4, 8, 11 × 8, 88, 17 × 4, 68, 40, 5 × 8, 40। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 4 × 3, 12, 12 उधर जाएगा तो 12 × 6, 72, 12 × 7, 84, 12 × 8, 96, 1% की वैल्यू 96, तो 100% की वैल्यू बताना जरा, 9600 रुपये नहीं हो जाएगा? 9600। आंसर कितना आ गया? 20 का राइट आंसर है। कैसे किया? कुछ नहीं भाई, हम ये देख रहे हैं 1 साल में कितना परसेंट, 1 साल में इतना परसेंट। अब कितने साल का ब्याज है, कितने साल में है? इतना साल में, 4 साल 3 माह, 3 माह को बदलते हैं तो 12 से डिवाइड किया तो इतना आ गया, दूसरे तरीके से किया तब भी उतना ही आया। 1 साल में इतना परसेंट ब्याज बोला है ना,
तो ब्याज इतना है एक साल में, 17/4 साल में ब्याज कितना आया वो देख लिया। तो ये ब्याज दिया है, ब्याज मिश्रधन नहीं दिया, याद रखेंगे। मिश्रधन देता तो ऐड करना पड़ता, तो 1% की वैल्यू तो 100% की वैल्यू। चलो नेक्स्ट। हाँ, एक व्यक्ति बैंक में 8,000 रुपए जमा करता है जो 8% साधारण ब्याज देता है, 8 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन, मिश्रधन मतलब अमाउंट। अब ये बताओ एक साल में कितना परसेंट? 8। कितने साल का ब्याज लग रहा है? 8 साल का। तो ब्याज कितना लग गया? सर 8×8=64% तो ब्याज लग गया, 64% ब्याज लग गया। और आपको क्या बोला है? मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल। 64% ब्याज लग गया और 100% भी तो मूलधन तो यही था ना, मूलधन धन साधारण ब्याज। टोटल कितना परसेंट मिश्रधन आया? मिश्रधन कितना परसेंट? 164%। प्रिंसिपल कितना है किसका? 164। 8,000 का, क्योंकि यही तो मूलधन है। 8,000 का 164% 08×32 16×64 16×85 16×96 16×97 112 16×8 128 और 128 और 3 131 13120 आपका राइट आंसर है भी। चलो कैसे किया? सर ब्याज निकाल लिया, परसेंट में कितना है? 100% ऐड कर दिया तो टोटल मिल गया कि कितना पैसा देना था, कितना पैसा देना था? 164% किसका? मूलधन का। मूलधन है कितना? 8,000। आप चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, फॉर्मूला से वही चीज है। 8,000 का 8% की दर से 8 साल के लिए साधारण ब्याज कितना आएगा? 8,000×8% 8 साल के लिए, 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया? 5120। 8 का क्यूब आ गया ना। अब जोड़ना कितना है? 8,000 जोड़ना है अमाउंट के लिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, 5120 और 8,000, 8,513,120 रुपये आपका राइट आंसर है। तो चाहो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये नहीं करना था आपको, डायरेक्ट लिखना था ना 8×8=64, तो 100 से कितना ज़्यादा? 64 ज़्यादा, तो 100 से 64 ज़्यादा 164, 8,000 का 164, सिर्फ इतना आंसर है, इतना सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। अभी आज हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, दो पार्ट में वीडियो आएंगे, तो पहला पार्ट में बेसिक पार्ट रहेगा और फिर सेकंड पार्ट में इजी से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन अपन देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने 7,050 रुपये की धनराशि को 8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 5% के लिए निवेश किया, इतना प्रिंसिपल है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना क्या है? टाइम है। परिपक्वता पर उसे मिलने वाली राशि का 2/3 हिस्सा, कितना हिस्सा मिलेगा पहले ये बोल रहा है। तो एक साल में 8%, तो 4 साल में 40% नहीं हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल 40%, तो एक साल में 8% तो टोटल 40%। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। साधारण ब्याज कितना हो गया? एक साल में 8%, तो 5 साल में 8×5=40%। अब ये बताओ 40% तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज है, टोटल पैसा कितना हो गया? अमाउंट में कितना हो गया? तो 100 से 40 ज़्यादा, 100% प्लस 40% कितना? 140%। ये सब लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो किसका 140%?
7050 का 140%। ये तो मिश्र धन आ गया, अमाउंट आ गया ना, लेकिन पूछा क्या है? इस धन राशि का 2/3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 5 = 15, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना आया भाई? 5 × 10, 3 × 6, 2 × 4, 47 × 14, 14 × 0, 14 × 7, 98, 14 × 2, 28, 42, 14 × 6, 56, 56 और 9, 65, इसका 2/3 कितना आया? 6, 5, 8, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो नया टाइप, 4,500 रुपये की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्ष में इतनी हो जाएगी? दर निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने आज ही आपको एक फॉर्मूला बताया है, कौन सा है? 1 साल का साधारण ब्याज 100%, ये नहीं बताया, 1 साल का साधारण ब्याज 100%। चलो तो देखो, प्रिंसिपल अमाउंट कितने साल में? 5 साल में हो रहा है ना, इतनी रुपए हो जा रही है, मतलब प्रिंसिपल है 4,500 रुपये और आपकी राशि हो गई 6,525। तो आपकी राशि बढ़ नहीं गई, कितनी बढ़ गई सर? 25 और 20, कितने साल में? 5 साल में नहीं बढ़ गई, 5 साल का ऐसा ही, कितना? 2025। अब ये बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कितने साल का चाहिए? 1 साल का ना, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 5 × 24, 5 × 0, 5 × 5 = 25। 1 साल का साधारण ब्याज 405। पी कितना है? 4500 × 100%, 00 से 00 कितनी बार जाएगा? 45 निया, कितना परसेंट आया? 9%। अब सुनो, डायरेक्ट डिफरेंस लिया है, 2025 को 5 से डिवाइड किया, 405 बटे मूलधन गुणित 100, क्या चीज़ है? आपका राइट आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। सर यदि फार्मूला से बनाए, तो फार्मूला से ही तो बनाया है, पर सर यदि उस तरीके से बनाए, वो फार्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये फार्मूला कुछ नया नहीं है, वैसा ही है। चलो देखते हैं, P × R × T/100, ऐसा ही, यही है ना, P कितना है? इतना, और अमाउंट कितना है? इतना। कितने का ब्याज लग गया? ब्याज कितना मिला? 2025, ये ब्याज 2025 है। प्रिंसिपल कितना है? 4500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? यही तो निकालना है सर। टाइम कितना है? 5 साल। R = क्या होएगा? 2025/5, यही देखो, 2025/5, ये 5 इधर कर दिया तो 1 साल का नहीं आ गया, 2025/5, वही पहले किया, देखो ये 00 से, देखो ऊपर क्या कर दिया? 100, नीचे क्या ले आया? 4500। फिर देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 405 ही आएगा, तो ये फॉर्मूला ही है एक्चुअल में, कुछ भी नहीं है। आपने पहले ही निकाल लिया 1 साल का ब्याज, उस पे मूलधन को डिवाइड कर दिया,
एक साल का ब्याज कितना आ गया, 5 24 5 0 5 5 6, एक साल का ब्याज बटे 4500 × 100। वही तरीका है। चलिए नेक्स्ट, 9 वर्ष का साधारण ब्याज, जो भी 9 वर्ष का साधारण ब्याज है मूलधन के 45% के बराबर है। तो 9 साल का जो ब्याज है, 9 years SI, वो क्या है, मूलधन के 45%। मूलधन कितना परसेंट होता है, 100%। इसका 45% तो 45% ही होगा ना, कैसे, 100% का 45% कितना बचा, 45%, यही तो बचा ना। तो देखो 9 साल का साधारण ब्याज कितना परसेंट, 45%। 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 9 × 5 = 45। 1 साल का साधारण ब्याज 5%। तो वही तो पूछा है ना, ब्याज की, वार्षिक ब्याज की, मतलब 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है ये बताइए, कितना परसेंट, 5%। सिर्फ इतना ही है, 9 साल का ब्याज 45 तो 1 साल का 5%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% की दर से 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना परसेंट ब्याज लगा, 8 × 72। समान धनराशि पर, मतलब इसी पर, धनराशि समान है तो धनराशि की दिक्कत नहीं है, 12 वर्षों में, 12 टाइम ड्यूरेशन है, किस दर से दर निकालनी है, x%। इसका ब्याज और इसका ब्याज समान होगा, बराबर होगा। तो चलो देखो, 8 × 72, ऐसा कर लो, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6%। ब्याज कितना आया, 6% आ गया। नहीं आ रही बात समझ में, चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2880 रुपये हैं, PRT लगा रहे हैं, अब लिख नहीं रहे, इस पे 8% दर है और कितने साल के लिए, 9 साल के लिए, बराबर है। 2880 पर ही किस ब्याज दर पर, मतलब R% पर, इनटू टाइम है 12 साल। देखो ध्यान से, ये और ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो गया सर, 100 और 100 कैंसिल हो गया, 8 × 72, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72। आर कितना आया, 6%। कितना परसेंट, 6% आपका आंसर है। चाहे ऐसा निकालो चाहे ऐसा, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसमें डायरेक्ट, क्यों, मूलधन समान है, मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल समान है, सेम है, इसलिए आपने उसको लिखा नहीं, कैंसिल भी हो गया, डायरेक्ट परसेंट में खेल लिया। अब चलो ध्यान दो, साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों में कोई धन दोगुना होगा, दोगुना होगा इसका मतलब क्या है, 1 रुपया है वो कितना हो जाएगा, 2 रुपया, प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट ना, दोगुना हो जाएगा इसका मतलब का ब्याज कितना है, 1 ब्याज नहीं है, 1 रुपया, 1 यूनिट। दर निकालनी है, अब देखो हम क्या जानते हैं, P × R × T/100, ये क्या है, होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है कितना, दोगुना हो गया, तो ब्याज 1 का लगा, 1 का ब्याज कितने साल में, साल कितना है भाई, टाइम कितना है, 12.5। अब देखो
पी की वैल्यू क्या रखे हैं, एक, तो पी की वैल्यू एक इंटू आर बाय 100 इंटू 12.5 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। चलो ये नीचे आर इज इक्वल टू 1000 बटे 125, 25 पंचे 25 चौक 5 अट्ठे, आर की वैल्यू कितना परसेंट है, 8% है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया ना, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है तो ब्याज कितना लगा होगा, एक, कितने साल में, 12.5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साधारण ब्याज की कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो सकती है। अभी दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर टाइप में अलग अलग निकाल रहे हैं। पहले में निकाला SI, फिर निकाला प्रिंसिपल, दूसरे में भी प्रिंसिपल, फिर निकाला अमाउंट, फिर अमाउंट दिया है तो फिर प्रिंसिपल निकाला, ये सब निकालना सीखे हैं। अब सीख रहे हैं आर निकालना। तो देखो क्या बोला है, कोई धन राशि 1 रुपये कितने गुने हो जाए, 4 गुने अमाउंट, कितने साल में, 15 साल में। अब देखो ध्यान दो, कितना रुपया ब्याज मिला, 1 रुपया था, 4 रुपया हो गया, 3 का ब्याज नहीं मिला। तो आप क्या जानते हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना, 1, आर परसेंट नहीं पता, टी कितना, टाइम कितना है, 15 साल, ऐसा ही साधारण ब्याज कितना है, 3। अब देखो 3 × 15 आर इज इक्वल टू 5 × 10 कितना परसेंट आ गया, 20% इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से देखो, कोई धनराशि आर परसेंट ब्याज की दर से 35 वर्षों में स्वयं का इतना गुना हो जाती है, 1 रुपया है, फिर वही प्रिंसिपल, 1 रुपया है, कितना हो गई, 1 का 79/16 गुना हो गई अमाउंट, कितने साल में, 35 साल में। तो ये बताओ, दोनों का अनुपात लिया तो ये 16 इधर नहीं चला जाएगा, 16:79 कितना ब्याज मिल रहा है, 6, 3, 7 में 1 चला गया, 63, कितने का ब्याज मिल रहा है, मूलधन कितना है, 16, मूलधन देखो कितना है, 16, आर कितना है नहीं पता, टी 35 इज इक्वल टू कितना रुपए, 63 रुपए, ब्याज कितना मिला, 16 से 79 हो गया, कितने का ब्याज, 63 का। चलो 5 × 7 = 5 × 10 4 × 16 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15 5 × 6 = 30 और 1 = 31 4 × 7 = 28 ना, 28 × 1 = 28 कितना बचा, 1, 2, 3 कितना हो गया, 35, 28 × 1 = 28 11.25 इसका राइट आंसर है भाई। 11 आया ना, 28 से डिवाइड किया, एक बार गया 3, 28 × 1 = 28 11 कहीं पे है क्या, नहीं, तो आंसर वो लिख दिया। ये आपको करना है, यहाँ फॉर्मूला लगा लिया, ये क्यों किया, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो को देखने के लिए कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ रहा है, फिर ये फॉर्मूला पे लगा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो 1600 रुपए की धनराशि कितने समय में, समय पूछ रहा है, इस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
इतने रुपए हो जाएगी, 1600 रुपए है। कितने रुपए हो जाए? 12000। प्रिंसिपल अमाउंट ब्याज कितना मिल गया? 00120 मतलब 104, 10400 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है भाई, 10400 का ब्याज मिल रहा है। अब देखो, हम क्या जानते हैं? मूलधन गुणे दर, दर कितनी है? 12.5, 12.5 / 100 इंटू टाइम कितना है? वही तो निकालना है सर, 10400। देखो 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब टी इज इक्वल टू कितना आया? 10400 इंटू, ये दोनों कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे, 16 × 12.5। अब 0.5 को ना हम चेंज कर दे रहे हैं, ऊपर एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं और नीचे 25 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 25 × 100, 25 × 5, 25 × 100, 4 बचा, 40 हो गया, 25 × 1 = 25, 150, 15 बचा और ये जीरो, 150 हो गया, 25 × 6 = 0, 16 × 2 = 32, 8 × 1 = 9, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, कितना साल आ गया? टी इज इक्वल टू 52 साल आपका राइट आंसर है भाई। सिर्फ फॉर्मूला लगाए हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5450 रुपए की राशि कितने वर्ष में इतनी हो जाएगी? यदि यह राशि इतने वार्षिक दर पर निवेशित की जाती है तो हम फिर से वही बात है, कितने रुपये का ब्याज मिला देख लो। तो सर 5 का, 2 का, और सर यहाँ पे 7 × 4 = 11 और 7 × 5 = 2, इतने का ब्याज मिल गया। कितना? 2725। कितने रुपए पे? 5450 पे। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.5, मतलब 12.5 को 100 लिखते हैं ना, पॉइंट हटाया तो एक जीरो और। और टाइम कितना है भाई? कितने वर्ष में? वही तो पूछा है। चलो ये 0 से 0 कैंसिल, 25 × 5 = 25 × 4। अब 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 5, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 545 से 545 कैंसिल हो गया। टी इज इक्वल टू कितना आया? 4 उस तरफ ट्रांसफ़र, 4 साल। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 साल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि कोई धन राशि इतने वर्षों में इतनी गुना हो जाती है तो इसी धन राशि का इतने वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? n1 - 1 / t1, n2 - 1 / t2, जहाँ पे n1 या फिर n2 क्या है? टाइम्स गुना, और t1 t2 क्या है? टाइम्स और टाइम में अंतर हो रहा है। टाइम्स मतलब गुना, टाइम मतलब समय। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है।
12 वर्षों में 7 गुना। टाइम कहाँ लिखते हैं, समय नीचे, 12 में 7 गुना ना, तो 7 माइनस 1 कितना लिखेंगे, ऊपर 6 बराबर उसी धनराशि का 45 वर्षों में, कितना टाइम है 45, कितना गुना हो जाएगा, बस ये है। देखो बयालीस वर्षों में लिखा है, 45 नहीं है ये 42 है, ये देखिए 42 वर्षों में, 6 दूना 2 से 21, 21 इधर गया गया, N2 माइनस 1 इज इक्वल टू 21, तो N2 कितना आ गया, 21 में 1 इधर गया कितना हो गया 22, आंसर कितना आया 22 गुना, ये आपका आंसर है। और इसका इक्वेशन ये रहा जो रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, कीजिए तो एक बार, 6 वर्ष में दोगुनी, तो समय नीचे लिखते हैं, दोगुनी 2 माइनस 1 मतलब 1 बराबर, कितने वर्षों में यह धनराशि मूल राशि से 10 गुनी, 10 गुना 10 माइनस 1 मतलब 9, टाइम निकालना है, टाइम इधर 6 इधर, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 44 ईयर्स आपका क्या है राइट आंसर है भाई इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी पढ़िए एक बार, क्या कहता है, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, टाइम है 100 साल, कितने गुना 36, 36 माइनस 1 35, तो 29 गुना होने में टाइम कितना, टाइम्स कितना 29 गुना, 29 माइनस 1 28 समय पूछा है, 5 सत्ते 7 पंचे 35, 7 चौक 28, टी इधर आया 5 दुना, टी इधर 20 चौक 80 साल, कितने साल आ गए 80 साल, इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, एक धनराशि 15 वर्षों में 5 गुनी ना, तो 5 माइनस 1 4 नहीं लिख लोगे, तो उसी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर 12 गुनी होने में, मतलब 12 माइनस 1 12 माइनस 1 11 कितना समय लगेगा, ये इधर 11 इंटू 15 अपॉन 4 165 अपॉन 4 4 चौक 16 4 एकम 4 बचा कितना 1/4 41 साल, इसको बदलेंगे ना महीना में तो क्या लिखेंगे 1/4 गुणित 12, साल को महीना में बदलते हैं तो 12 का गुणा, जैसे 2 साल में कितना महीना, तो 12 का गुणा नहीं कर देते, 12 दूना 24, 3 साल में कितना महीना, 12 का गुणा कर दिया, वैसे 1/4 साल में कितना महीना, 12 का गुणा कर दिया, 4 तिया 12 तो कितना आया 41 41 साल 3 महीना आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये टाइप और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, इस टाइप को अपन पार्ट 2 में करेंगे, टोटल अपन इस चैप्टर में 40 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जो हमने इंक्लूड ना किया हो, एकदम इजी से बहुत हार्ड लेवल तक के सारे टाइप इसमें हैं। तो मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।